नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने हर किसी को आज उदास कर दिया है। गमगीन है भारत का माहौल, हर किसी की आंखों में आज आंसू हैं। मैं बात कर रही हूं सुषमा स्वराज की, बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रखर प्रवक्ता। एक ऐसी शख्सियत थी कि जब वो बोलती थी तो विरोधी भी तालियां बजा उठते थे। सुषमा स्वराज की आज बात हो रही है। कल एम्स के अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और सभी को अलविदा कह गईं सुषमा स्वराज। और चाहे राजनीति के गलियारों की बात हो, तमाम नेता संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पर रखा गया है, जहां पे सुबह से ही नेताओं का तांता लगा हुआ है। हेमा मालिनी वहां पे पहुंची और कैलाश सत्यार्थी वहां पे पहुंचे, उसके साथ बाबा रामदेव भी वहाँ पे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहाँ पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में वो गम नज़र आ रहा था। उन्होंने कल ट्वीट भी किया, लेकिन इसके साथ ही साथ बॉलीवुड में भी पूरी तरीके से शोक का माहौल है। शायद बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि सुषमा स्वराज सूचना प्रसारण मंत्री भी रहीं और उस दौरान वहीं थी, वहीं एक ऐसी शख्सियत थी, वहीं एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बॉलीवुड को एक इंडस्ट्री के तौर पे उसकी पहचान दिलवाई। तो एक कर्ज है जो मुझे लगता है बॉलीवुड भी कभी नहीं भूल पाएगा और जो तमाम एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा जब उनको पता चला कि सुषमा स्वराज नहीं रही हैं। तो क्या ट्वीट किया उन्होंने, किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, आज मैं आपको बताती हूं। तो कल स्वरा भास्कर ने ट्विटर पे लिखा कि वो बेहतरीन जो व्यक्ति थी और बेहतरीन प्रवक्ता थी और फॉरेन मिनिस्टर वो रहीं और सभी को इंस्पायर करती थी। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही अलग थी और बड़े ही अलग तरीके से वो काम करती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ साथ आयुष्मान खुराना ने भी ट्वीट किया कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति दें। उसके साथ ही बोमन ईरानी ने लिखा कि बहुत ही छोटी उम्र में, आपको सभी को मैं बता दूं 67 साल की उम्र में ही उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। बोमन ईरानी ने कहा कि बहुत ही जल्दी आप चली गई हम सभी को छोड़ के, बहुत दुख होता है और ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। शबान आज़मी ने लिखा कि आई एम डीपली सैडेंड, बहुत बुरा लग रहा है कि सुषमा स्वराज आज हमारे बीच में नहीं रहीं। हालांकि हमारे बीच में राजनीतिक मतभेद ज़रूर थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, पर उसके बावजूद भी आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था। और मुझे लगता है यही खास बात थी सुषमा स्वराज के बारे में कि विरोधी दल के भी तमाम जो नेता थे वो बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे और जब भी वो बोलती थी तो सब तालियां बजाते थे। उसके साथ रितेश देशमुख ने लिखा कि आज पूरे भारत के लिए काला दिन है और बहुत ही बड़ा लॉस है सभी के लिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन ओरेटर थी, बहुत ही बेहतरीन प्रवक्ता वो थी और पेट्रियट थी और देश के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और देश हमेशा उनके काम को याद रखेगा। परिणीति चोपड़ा ने भी कल ट्वीट किया और उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, दुख जताया और उन्होंने कहा कि मैं भी अम्बाला से आती हूँ और वो भी अम्बाला से थी और मुझे लगता है ये जो चीज़ थी वो हमेशा मुझे इंस्पायर की कि कैसे एक महिला एक छोटे से राज्य से निकल कर इतनी बड़ी शख्सियत बनी। तो ये तो आपको मैंने आज बताया किस तरीके से राजनीतिक गलियारों की बात हो या फिर बॉलीवुड, तमाम जो लोग हैं वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और आखिरी बार में मैं यही कहूँगी कि शोक की लहर है, हर किसी के आंखों में आंसू हैं और सुषमा स्वराज के साथ ही वाकई में एक राजनीतिक दौर का अंत ज़रूर हुआ है। लेकिन आपको इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।